स्टार्ट। हाँ पहले सबको हैप्पी होली। देखो ये होली का रंग है मेरा, तो कमेंट करके मत बोलना नेल पॉलिश। हाँ तो चलो कुछ न्यूज़ सुनाता हूँ। तो एक किसी भाई का डीएम आया हुआ है, जो कि ये डीएम आपको ऊपर आ जाएगा प्रोफाइल पे, बट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। भाई आई एम योर फैन एंड बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बिना सब कुछ पता लगाए भी स्टेटस मत लगाओ, सेरू पाजी और मनीष पाजी सेरू क्लासिक करवाते हैं और आप वहाँ प्रो कार्ड के लिए पार्टिसिपेट करते हो, तो उनको इम्प्रेस करने के लिए ये स्टेटस मत लगाओ। बहुत से लोग आइकॉन के भी फॉलोअर हैं जो आपके भी होंगे म्यूचुअल, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। तो ऐसा बहुत सारा मुझे डीएम आ रहा है, तो अभी मुझे क्या करना है आपको लेके चलता मैं फ्लैशबैक में, पुरानी दुनिया में, जहाँ से ये बात शुरू हुई, जहाँ से स्टार्ट हुई। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैं इन लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ या जो भी मुझे टैग कर रहे हैं मैं उसको रिपोस्ट कर रहा हूँ, उसका क्या रीज़न है, मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो ये मिस्टर फेक आइकॉन के टच में मैं मतलब पर्सनल टच में आप बोल सकते हैं 2016 से हूँ, और मैं बहुत पहले से मतलब सारे लोग जो भी फिटनेस इंडस्ट्री के उनको जानते हैं, क्योंकि उनकी मूवी आई थी, उनको देखा था, तो बहुत ज़्यादा मैं भी देख के उनको बहुत इम्प्रेस रहता था। और जब कई बार मैं उनको मुंबई के लोकल कंपटीशन में भी आते जाते मैं देखा, मतलब एकदम उनका बहुत तगड़ा वाला फ़ैन था। तो 17 में मैं उनसे पर्सनली मिला भी, जब मिला तो मतलब इतने अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, तो मुझे एकदम सुन के मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया कि यार देखो इतना बड़ा आदमी है फिर भी कितना हम्बल है, कितने अच्छे तरीके से बात करता है, बट मुझे रियल फेस के बारे में मालूम नहीं था। तो फिर उसके बाद से फिर एक दो बार और मैं मिला, जब वो मिले तो अप्रिशिएट करते थे, बहुत अच्छा लगता था। और फिर मैं भी उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता था, उनको यूट्यूब पे फॉलो करता था, उनका जो भी वीडियो देखना तो वीडियो देखने के बाद फिर एज अ फैन मैं भी वहाँ पे कमेंट करता था, और जो भी मतलब मुझे उनका अच्छा लगता था मैं उनको डीएम भी करता था, तो वो मुझे रिप्लाई भी करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था। और एक ब्रांड में भी मैं था, तो उन वो इनके साथ एसोसिएट होना चाहते थे, तो उन्होंने बोला कि आप कुछ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो मैंने सर को जो होता है मैंने डीएम भी किया, उनसे नंबर भी मांगा, तो उन्होंने मुझे नंबर दिया था और बोला कि आप भी सेव करके रख लो, जिसको आप देना चाहते हो उसको भी दे दो, तो मैंने उनको भी दिया था। उसके बाद फिर व्हाट्सएप पे भी हमारे बात होते थे कभी कदार, मतलब जो भी वो शायद उनका जो भी बिजनेस पर्पज़ वाला चीज़ें होती थी, तो वो मुझे व्हाट्सएप करते थे, रेगुलर उनका व्हाट्सएप भी आता था। फिर क्या हुआ कि मैं अपने कॉम्पिटिशन में लग गया, 2017 की बात है, 17 की, तो उस समय मैं अपने कॉम्पिटिशन में लग गया, एमेच्योर ओलंपिया हो रहा था, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था, सारे लोगों को मालूम होगा। तो उनका भी कुछ शायद पर्सनल कुछ इशू हुआ था उस कॉम्पिटिशन से, जो भी लोग जुड़े हुए थे, जो भी ब्रांड बिग मसल और IHFF के साथ उनका कुछ पर्सनल इशू हुआ था, जो कि मुझे वो सब चीज़ों के बारे में मालूम नहीं था, क्योंकि मैं गेम टाइम पर अपना गेम पर फोकस करता हूँ। तो सडनली क्या हुआ कि एक दो दिन पहले जब कॉम्पिटिशन था, उसके पहले ही हमारे फेक आइकॉन का मेरे पोस्ट पे, मे बी वो शायद बोलते कि वो मुझे नहीं जानते, तो अभी जान जाओगे आप, तो मेरे पोस्ट पे, वो पोस्ट का मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, तो उन्होंने कमेंट किया जिसका मैंने अभी भी स्क्रीनशॉट निकाला है, तो वो रिसेंट वाला उनका क्या बोलते हैं DP है, और मैं उसको भी आपको शेयर कर दूँगा। तो उस पर उन्होंने कमेंट किया, अप्रिशिएट किया, वाओ वेरी नाइस। तो कॉम्पिटिशन होने के नेक्स्ट डे मुझे कॉल आया, मिस्टर फेक आइकॉन का कॉल आया, मैं सरप्राइज हो गया। मैं बोला यार मतलब देखो कितना अच्छा बंदा है, अभी उसको लग रहा है कि हम लोग थोड़े दुखी होंगे, तो कॉल करके थोड़ा अप्रिशिएट कर रहा है। तो कॉल आया, कॉल आने के बाद फिर बोले कि मुझे इंटरव्यू लेना है, मुझे मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, मैं आपका इंटरव्यू लूँगा, मनोज का लूँगा, इनका लूँगा, उनका लूँगा। तो फिर मेरा क्या है कि मैं ये सब कॉन्ट्रोवर्सी में कभी नहीं पड़ता, ये मेरा मतलब मेरा खुद का तरीका है इस तरीके से रहने का, क्योंकि मैं कभी भी कंप्लेन नहीं करता किसी भी चीज़ के बारे में, इसके लिए मैंने अपना नाम अनस्टॉपेबल रखा है, क्योंकि मैं कभी भी कंप्लेन नहीं करता कोई चीज़ को, मुझे बस यही देखना है कि कैसे मैं अपने गेम में आगे बढ़ूं और कैसे अपना परफॉर्म बेटर करूं। तो मैंने उनको इंटरव्यू नहीं दिया, तो वो इंटरव्यू नहीं दिया तो वो उनको थोड़ा सा ईगो पे लगा कि ये कैसे मतलब मेरा बात नहीं सुन सकता, कैसे मतलब मुझे ना कैसे कर दिया। तो वहाँ से मैं इनके आ गया टिगर पॉइंट पे। उसके बाद फिर भी मतलब मुझे लगा कि मैंने मना कर दिया, कुछ ऐसा इनको कुछ वो नहीं हुआ, मैंने सोचा नहीं, मगर उनके दिमाग में लग गया कि ये
होता कौन है मुझे मना करने वाला, मैं फेक आइकॉन मुझे कैसे मना कर सकता है। तो वो उनके दिमाग में था, मेरे दिमाग में था नहीं। मैं तब भी उनको जो भी रहता था, कभी कुछ अच्छा देखता था तो उस पर कमेंट करता था, चाहे उनका यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो, और उनके भी रिप्लाई आते थे। वो भी मतलब अगर कुछ उनका यूट्यूब का वीडियो भी मैं कुछ डालता था, वो करता था, तो वो रीशेयर भी करते थे। बट मुझे ये नहीं मालूम था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर क्या हुआ, अपने चीज़ों में लग गया अपना, क्योंकि अपने को पैसे भी कमाने होते हैं और उसके साथ साथ कंपटीशन भी खेलना होता है, घर भी देखना होता है, तो अपने पास इतना टाइम नहीं है कि दिन भर बैठ के इंस्टाग्राम और यूट्यूब ये सब करते रहे। तो उसका भी एक मेरा टाइम होता है कि इस टाइम पे मुझे इंस्टाग्राम यूज़ करना है, इस टाइम पे मुझे यूट्यूब यूज़ करना है, पूरे टाइम मैं कर नहीं पाता। तो फिर मैंने नोटिस किया कि मेरा मतलब कई सारे आइडिया से आलतू फालतू कमेंट आते थे। मुझे ये नहीं मालूम था कि कोई इतना खाली है, इतना फालतू है कि ये सब भी करवाएगा। तो वो मैं उस समय आइडिया मुझे लग नहीं पाया था। और कई बार मतलब तब से लेके अब तक कई बार मेरा अकाउंट हैक करने का कोशिश किया गया, और इवन एक बार हैक भी ऑलमोस्ट हो ही चुका था। बट सडनली मैंने पूरा का पूरा अपना पासवर्ड चेंज किया, और फिर एक ऑप्शन आता है टू स्टेप ऑथेंटिकेशन, उसको मैंने एक्टिव कर दिया, जिसमें आपका एक मेल पे आ जाता है, एक आपका मैसेज आ जाता है, तब आप कुछ भी अपना मतलब उसमें चेंज कर सकते हो। तो उसके बाद मेरा अकाउंट बच गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बीच बॉडी हो रहा था जो कि गोवा में, तो वहाँ पे जेपसिड आया हुआ था। तो मेरा और मनोज का ऐसे ही मजाक मस्ती हमेशा चलता रहता है, क्योंकि मेरे छोटे भाई जैसा है, मैं उसको कुछ मस्ती करता हूँ, वो मुझे करता है। तो मैंने जैसे ऐसे जेपसिड का वीडियो बना के मैंने भेज दिया कि भाई जेपसिड आया है, कोई भीड़ ही नहीं है, मनोज पाटिल आया होता तो देखो कितना भीड़ होता। तो वो चीज़ मैंने मनोज को प्राइवेट में डीएम किया, जो कि बहुत सारे चीज़ें आप अपने दोस्त से, आप अपने फ्रेंड से प्राइवेट में बात करते हो। तो मनोज ने क्या किया कि उसको अपने स्टोरी पे शेयर कर दिया, और वो ऐसा कुछ था भी नहीं कि कोई आदमी इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करे। तो मनोज ने उसको अपने स्टोरी पे शेयर कर दिया। उसके बाद फिर मुझे आता है जुनैद भाई का फ़ोन, जुनैद भाई का फ़ोन आता है। तो जुनैद भाई ने बोला कि भाई आपसे फेक आइकॉन बात करना चाहते हैं। मैं बोला कि क्या हो गया, तो मैं बोला ठीक है बात कर लेते हैं, वो उनके पास तो मेरा नंबर है, मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, इंटरव्यू लेना था तो डायरेक्ट किए थे, अभी क्या हो गया। तो मैं बोला ठीक है कॉन्फ्रेंस पे ही बात कर लेता हूँ। तो कॉन्फ्रेंस पे जैसे ही उधर से आवाज़ आया, हेलो सिद्धांत, मैं बोला हाँ सर सिद्धांत बोल रहा हूँ। उसके बाद से जो मतलब गटर का मुँह खुला ना, मतलब लिटरली कोई ऐसा गाली नहीं था जो उसने छोड़ा था, और मैं सरप्राइज हो गया, एकदम शॉक हो गया, मतलब माँ बहन की गाली एकदम चालू, और मैं एकदम सरप्राइज हो गया। मुझे समझ में नहीं आया, मतलब ब्लैंक हो गया कि मैं क्या करूँ, मतलब क्योंकि मैं था उस इंसान का एकदम फैन, मुझे एकदम एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो ऐसे बोलेगा। तो मुझे कुछ भी, मैंने कुछ उस समय कुछ भी नहीं बोला। कॉल आने के बाद मैंने सॉरी का वीडियो भी डाल दिया, मतलब जो कि मेरी गलती नहीं थी, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं था कि जिसपे कोई मुझे ऐसा ऐसा गाली दे, ऐसा ऐसा मैं गाली सुन के लूँ। बट उसके बाद भी मुझे ये सब एकदम किचकिच झिकझिक में पड़ना ही नहीं होता, इसके लिए मुझे 50 काम होते हैं, मुझे अपना घर देखना होता है, मुझे अपनी बॉडी देखनी होती है, मुझे पैसे कमाने होते हैं, मुझे मेरी टीम है, टीम जो लोग मतलब मेरे ऊपर डिपेंड रहते हैं, जब मैं उनको गाइड करता हूँ तो वो कॉम्पीट करते हैं क्या करना है क्या नहीं, मुझे 50 काम होता है। तो इसके लिए मैं ये सब चीज़ आलतू फालतू चीज़ में आज तक कभी पड़ा ही नहीं था। तो इसके लिए मैं फिर भी मैंने सॉरी बोल के सब कुछ करके वो वीडियो मैंने डाल दिया, माफ़ी मांग के डाल दिया। मुझे लगा कि सब भाई ख़त्म हो गया, मेरे साइड से तो सब ख़त्म हो गया था, मुझे लगा था कि वो भी इंसान के साइड से ख़त्म हो गया होगा। उसके बाद फिर मैं वहाँ से, जुलाई में कॉम्पिटिशन था सेरू क्लासिक, और वहाँ पर मैं दिल्ली में पहुँचा, मेरी टीम थी वहाँ पर कॉम्पीट कर रहे थे, मुझे उनका पूरा ख्याल रखना था, देखना था, मैं उसी सब में लगा हुआ था। और उधर मैं लगा हूँ, मुझे इतना टाइम भी नहीं था कि मैं अपना मोबाइल उठा के देखूँ, बट जैसे ही मोबाइल खोलूँ तो इतने सारे नोटिफिकेशन आए रहते थे, और सब नोटिफिकेशन में आलतू फालतू गाली, यहाँ तक कि ये सब धमकी रहता था कि एक बार तुम मुंबई आओ तो फिर तुम्हें ये पता चलेगा वो पता, सारा स्क्रीनशॉट मैं डालता हूँ, सब फेक आईडी से सब कमेंट आते थे, और उसमें मेरे वाइफ का नाम घसीटना कि आपका शादी हो गया है, उसके बाद ऐसे कहाँ घूम रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। उसके बाद ऋतुजा का डाला कि मैं उसके फ्लैट पे जाता हूँ, मुझे उसका घर भी नहीं मालूम, और सारे मतलब जितना भी डिफेम करने वाला काम सब कुछ वो फेक आईडी से वैसे वैसे किया जा रहा था। तो ये हद तक इंसान मतलब गिरा हुआ था मुझे, और लोग बोलते कि आप बोल क्यों नहीं रहे, बोल क्यों नहीं रहे, क्योंकि मैं नहीं पढ़ना चाहता ये सब चक्कर में, एकदम नहीं पढ़ना चाहता। फिर भी मैं ये सब इग्नोर कर रहा था, और जितने भी फेक आईडी से जो भी कमेंट्स आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, उनको ब्लॉक करना और अवॉइड करते जा रहा था, अवॉइड करते जा रहा था। बट जब अभी रिसेंटली सारा का सारा जब खुलासा हुआ, जिसमें मतलब
ये दिखाता हूँ मैं आपको वीडियो स्क्रीनशॉट, जब वो हैकर जो पकड़ा गया, और हैकर पकड़ा गया और उसमें मेरा मिस्टर फेक आइकॉन ने अपने पर्सनल नंबर से जो होता है उससे चैट किया था, बात किया था, उसमें मेरा आईडी दिया था कि इसको हैक करो और जो जो अमाउंट होता है वो मुझे बताओ। तो मुझे जब दूसरे बंदे ने मुझे भेजा ना, तो मुझे भरोसा नहीं हुआ। मुझे लगा कि यार ये इतना बड़ा आदमी, इसको कहाँ इतना फुर्सत है कि ये मेरा अकाउंट हैक कराने के लिए हैकर को भेजेगा। तो बट फिर उसमें मैंने नंबर देखा और मेरे पास पहले से ही फेक आइकॉन का नंबर मेरे पास सेव था। तो मैंने नंबर मैच किया तो मेरा दिमाग एकदम आउट हो गया। मैं बोला यार ये तो इंसान एकदम फालतू है, कितना इसको फालतू टाइम है, कितना ज़्यादा फालतू टाइम है और ये सब चीज़ें कर रहा है। तो उसके बाद फिर जब देखा कि ये सब हो रहा है और सारे लोग बोल रहे हैं और आए दिन मेरा भी अकाउंट ये सब किया जा रहा है, मतलब मैं कितना बर्दाश्त करूँ, मैं ना बोलूँ कब तक ना बोलूँ, मतलब क्या क्या चाहते हो। तो ये चीज़ मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था। मैं इसको इग्नोर कर रहा था कि नहीं जाने दो, ये करके मतलब नहीं है, मगर ये चीज़ अब बंद होने वाला नहीं है। अब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गया कि ये बिना बोले बंद होने वाला है ही नहीं। और जो आप लोग बोल रहे हो ना कि आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो इनको, तो इसके लिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जैसे और भी ना जाने कितने लोगों को ये फेक आइकॉन इसी तरीके से परेशान कर रहा होगा, जो लोग बोलते नहीं है क्योंकि उनको जिम्मेदारी होता है, वो अपने काम में बिजी रहते हैं, अपने काम में परेशान रहते हैं, उनको ये रहता है कि ये सब बोल के ये सब करके मतलब क्या है। और ये ही इज़ अ बुली, लिटरली मैं बता रहा हूँ ना, ही इज़ अ बुली। अगर ये इंसान जो चीज़ बोलता है वो आदमी कर लिया तो ठीक है, नहीं बोलता तो वो इसके ईगो पे आ जाएगा कि अरे मुझे मना कर दिया, मुझे ये कर दिया, ऐसा कैसे, मैं इसको इसकी औकात दिखा दूंगा। वॉइस रिकॉर्ड सुना होगा आप लोगों ने। प्रशांत मेरे भाई अपना ख्याल रखो, तुम कोई भी बात का टेंशन मत लो, तुम्हारे सर का कोई एक बाल भी बाका नहीं कर सकता, साहिल खान तुम्हारे साथ है। पॉलिटिशियन पावर जो भी चाहिए तुमको सपोर्ट मिलेगा किसी से, लेकिन बिला वजह हमको दुनिया में प्यार बढ़ाना है, लोगों से पॉजिटिव रहना है, लेकिन अगर कोई हमको जबरदस्ती का तकलीफ देगा या मेरे टीम को कोई तकलीफ देगा तो साहिल खान और साहिल खान का फुल पावर उस इंसान को बहुत बहुत परेशानी में डाल सकता है। ठीक है, वन लाइफ। जो आपको हैकर का जो वॉइस रिकॉर्ड था ना, कि इसको मतलब किस चीज़ का इतना ईगो हो गया है ना कि मैं ये पावरफुल हूँ, मैं मतलब जब मुझे गाली दिया था ना, मतलब लिटरली यार मुझे ये होता था कि मैं क्यों नहीं बोला, उसी समय मुझे बोलना चाहिए था। बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब देखोगे ना जो इसके मुंह में आता है, कभी प्रो कार्ड को प्लास्टिक कार्ड बोलेगा, जब जब इसको ज़रूरत रहेगा, आप जाके पुराना वीडियो है इसी के आईडी पे डाला हुआ है और ये बोलता है मुझे जानता नहीं, मेरा वीडियो अपने अपने प्रोफाइल पे अपने आईडी पे तू जो होता है यूट्यूब पे डाला हुआ है मेरा नाम लिख के। मुझे जानता नहीं, मेरा वीडियो डाल दिया और मुझे जानता नहीं, वेरी नाइस। और उसी प्रो कार्ड को तो गाली देता है और उसी प्रो कार्ड को लेके तो इंटरव्यू कर रहा था सुहास सर के साथ। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, हिंदुस्तान का पहला प्रो कार्ड जो आपने जीता है एज अ, ये तो हिस्ट्री अपने आप में। और बोल रहा था कि तुमने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। भाई साहब मतलब अपने तो जवान का इज्जत रखा करो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और ये जो कुछ लोग मुझे डीएम करके और कमेंट में जो बोल रहे हैं कि मतलब मैं ये प्रो कार्ड के लिए कर रहा हूँ, मुझे चाटने की, तो भाई मुझे चाटने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने आज तक अपने लाइफ में कभी ऐसा काम नहीं किया, मैं मेहनत के ऊपर भरोसा करता हूँ, मेहनत से ही यहाँ पे आया हूँ और मेहनत से ही मैं जो चाहता हूँ वो अचीव कर लूँगा, चाहे मेरा प्रो कार्ड हो, चाहे मेरा ओलंपिया स्टेज पर जाने का सपना हो। और हाँ आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो आप बोल रहे थे कि बहुत सारे लोग पॉपुलरिटी के लिए, फेमस होने के लिए उनको उंगली कर रहे हैं, तो भाई उनको उंगली नहीं कर रहा हूँ, मुझे उंगली किया जा रहा है, उसका मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज देता हूँ। मेरे प्रोफाइल पे आके कमेंट किया जा रहा है, मेरे प्रोफाइल पे आके आपके जो फेक आइकॉन है ना उन्होंने कमेंट किया, मुझे व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज किया, मैंने नहीं किया। तो ये सब जो भी चीज़ है, जो भी मेरे पास प्रूफ है, जो भी मेरे साथ हुआ है, वो सब मैं स्क्रीनशॉट आपको डाल दूंगा, आप देख लेना, आपको आप अपने हिसाब से आप जज कर लेना जो भी आपको समझ में आए। तो सिंपल सा है कि मैं, मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि मैं एटलीस्ट आपको बता दूं कि मैं क्यों इनको सपोर्ट कर रहा हूं
और मेरे साथ जो जो हुआ है इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बता दिया, आप देख लेना और आप फिर अपने ऊपर आप डिसाइड कर लेना। वैसे भी आप ही को सब कुछ डिसाइड करना है क्या गलत है क्या सही है। थैंक यू सो मच, बाय, ख्याल रखिए अपना।